फाइंड द, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + 5kx + 25 = 0 हैज इक्वल रूट्स। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जबकि गिवन आपको है 4x² + 5kx + 25 = 0 ये गिवन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू आपको 5k हो जाएगा और c इज इक्वल टू हो जाएगा 25। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, b² - 4ac = 0 इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए b² 5k² हो जाएगा -4ac 4 × 25 यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। 5 × 25k² - 4 × 16 16 × 25 हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। 25k² इज इक्वल टू इस तरफ ला लेंगे 400, के स्क्वायर इज इक्वल टू 400/25। 25 वन ज़ा 25 6 ज़ा के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, के इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए लिस्ट ऑल इट्स सबसेट, इसका सबसेट लिखना है। यहाँ पे गिवन है सेट ए इज इक्वल टू x, y, z, इसका सबसेट आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसके सबसेट के लिए नल सेट एक हो गया, और क्या क्या बनते हैं, x अलग बन जाएगा, y अलग बन जाएगा और z अलग बन जाएगा, ये तीनों अलग है। इसके अलावा क्या क्या बन सकते हैं, xy बन सकता है, और उसके बाद क्या बन सकता है, एक yz बन सकता है, और उसके साथ बन सकता है zx बन सकता है, फिर लास्ट में a भी बन सकता है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log, ये रूट टू, ये 128 है, ठीक है। अब इसके लिए आपको बहुत आसान होगा, लेट आप करेंगे, क्या करेंगे, लेट log रूट टू पावर ऑफ 128 इज इक्वल टू x ले लेंगे, रूट टू एक्स इधर आ जाएगा, 128 यहाँ पर आ जाएगा, 128 का एलसीएम लेना है आपको, 6 × 12 टू 4 ज़ा 8, 2 × 3 ज़ा 6, 2 × 2 ज़ा 4, 2 × 1 ज़ा 2, 2 × 6 ज़ा 12, 2 × 8 ज़ा 16, 2 × 4 ज़ा 8, 2 × 2 ज़ा 4, 2 × 1 ज़ा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रूट टू पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ 7। ये रूट टू पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर रूट बना देंगे तो ये 14 हो जाएगा, डबल हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 14। देखिए यहाँ पे वेदर 1/2 एंड 1 आर द जीरो से डबल, इसके जीरो से है, ये पी एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x + 1, ये जीरो सही या नहीं है आप पैच करते हैं। सबसे पहले 1/2 ले लेंगे, पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/2² - 3 × 1/2 + 1, 2 × 1/2 2 × 1/2 2 × 1/2 − 3 × 3/2 + 1, 2 × 2 कैंसिल, 1 × 1 = 1/2 − 3/2 + 1, यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम 2, 2 × 2 कैंसिल, 1 − 3 + 2 × 1 = 2, 1 × 2 = 3 हो जाएगा, ये पहले से -3 है / 2, इसको 0/2 लिख सकते हैं, इसका आंसर 0, ये 0 हो गया। एक और वैल्यू है 1, जहाँ पर भी एक से आपको पी 1 रखना है 1, 2 × 1² - 3 × 1 + 1, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 + 1, 2 + 1 = 3 - 3, क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ पर लिखना है देयरफॉर 1/2 एंड 1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे आप लिख सकते हैं। ये देखिए वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल जस्टिफाई, क्या करना है आपको, पैरेलल की एक क्वेश्चन है 6x - 4y + 10 इज इक्वल टू 0, 3x - 2y + 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -4,
C1 is equal to 10, उसी तरह A2 is equal to 3, B2 is equal to minus 2, C2 is equal to 6. यहाँ पर आपको पता है A1 by A2, 6 by 3, 3 1 जा 3 2 जा ये हो गया 2. B1 by B2 अगर ले रहे हैं आप, तो B1 by B2 minus 4 by minus 2, minus minus 2 1 जा 2 2 जा 2 हो गया. C1 by C2 आप ले रहे हैं, तो 10 by 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 है 5 by 3. ये दोनों बराबर है, A1 by A2 is equal to B1 by B2 बराबर है, लेकिन C1 by 2 C2 not equal to है. तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, so the lines are parallel, ये आप लिख सकते हैं. चलिए देखिए, what is the other end of the point of the diameter of a circle whose center, एक सर्कल है इसका सेंटर A B C, इस तरह सेंटर दे रखा है 1, 2 और एंड एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायमीटर, एक डायमीटर है 3, 4, ये क्या है आपको पता नहीं, ये आपको लेना है. तो यहाँ पर आप ले सकते हैं A इज इक्वल टू बी सी आप ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये X1 Y1 X2 Y2 ये इक्वेट हो जाएगा. फार्मूला मिड पॉइंट का आपको लेना है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू X1 प्लस X2 बाई 2 Y1 प्लस Y2 बाई 2 ये हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये 1, 2 इज इक्वल टू X1 X प्लस 3 बाई 2 यहाँ से Y1 Y प्लस 4 बाई 2 ये X प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, Y प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, X प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 2, X इज इक्वल टू 2 इस तरफ ला लीजिए माइनस 3, X इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, Y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 2 4, Y इज इक्वल टू 4 इस तरफ ला लीजिए माइनस 4, Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. तो यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट माइनस 1, 0.